नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के इस विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्वाति। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे प्रोग्राम में हम जानेंगे सप्ताह भर में कौन कौन सी खबरों और मुहिमों ने सोशल मीडिया पर देश की जनता का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे किस किस खबर ने डाला समाज में सकारात्मक असर। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमो ऐप पर चलाए जा रहे सर्वेक्षण की। साथ ही जानेंगे सोशल मीडिया पर हम फिट तो इंडिया फिट अभियान इस हफ्ते क्यों कर रहा है ट्रेंड। और अंत में योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कौन सा वीडियो किया है शेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने पर एक नई शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप के माध्यम से एक सर्वेक्षण शुरू किया है। साथ ही प्रधानमंत्री नमो ऐप के जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे रूबरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप यानी नमो ऐप पर एक सर्वेक्षण शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह आपकी आवाज है जिसका महत्व है। मुझे बताइए कि आप अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार के कामकाज, उसकी पहल और विकास कार्यों के बारे में क्या महसूस करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया के लिए नमो ऐप पर इस सर्वेक्षण में भाग लीजिए। नमो ऐप पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आसानी से नमो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें दिए सर्वेक्षण के लिंक पर जाकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सर्वेक्षण में 5 हिस्से हैं। पहले भाग में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, ग्रामीण विद्युतीकरण और किसानों की समृद्धि के 4 बिंदुओं पर वोट देने को कहा है। दूसरे भाग में पूछा गया कि वोट देने के लिए उनके मन में निर्णयकारी तत्व कौन सा होगा। इसमें महंगाई, कानून व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, भ्रष्टाचार और किसान कल्याण के विकल्प भी दिए गए हैं। सर्वेक्षण के तीसरे हिस्से में केंद्र सरकार के कामकाज की रेटिंग पूछी गई है, जबकि चौथे हिस्से में लोगों से एक खाली बॉक्स में ये लिखने का अनुरोध किया गया कि उनके विचार में केंद्र सरकार की 3 सर्वाधिक लोकप्रिय योजनाएं आखिर कौन सी हैं, और अंतिम 5वें भाग में लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। नमो ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री से सीधी बातचीत कर मुद्रा योजना के लाभार्थी भी उत्साहित नजर आए और उन्होंने इसे उनके जीवन को बदलने वाला बताया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग कम हो रहे हैं, इसलिए हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग होने से हमारा जो बिजनेस है वो उसका ग्रोथ भी होगा और मैं एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकती हूँ। कोई न कोई इनोवेशन, कोई न कोई रिसर्च आपको करना ही चाहिए। अपनी कार्यशैली बदलने के लिए इनोवेशन करना चाहिए। टेक्नोलॉजी है तो उसमें नया रिसर्च करना चाहिए। आपकी बात को मैं ध्यान में रखूंगा और मुद्रा योजना में बैंकों को भी मैं सलाह दूंगा, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अगर कोई काम करता है, इनोवेशन के लिए कोई काम करता है तो उनको स्पेशल तवज्जो दी जाए। पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से भी सीधे संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक 13 करोड़ लोगों को ही एलपीजी कनेक्शन मिला था, जबकि उनकी सरकार ने 4 साल में 10 करोड़ लोगों को नए कनेक्शन दे दिए हैं। पीएम ने कहा कि उज्ज्वला योजना से बहुत लाभ हुआ है, खासकर स्वास्थ्य के लिहाज से इस योजना ने नारी शक्ति को जानलेवा धुएं से आजादी दी है। समाज में रहन सहन के स्तर को आसान बनाने और गरीबों, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ी जाति के हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को, इन सब महिलाओं को सशक्त बनाने में इसने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा की है। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब भारत में गरीब से गरीब परिवार का सामाजिक उत्थान और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है। पिछले 4 वर्ष में ही हमारी सरकार ने एलपीजी के 10 करोड़ नए कनेक्शन दिए हैं, यानी जितना 60-70 साल में हुआ करीब उतना ही काम हमने 4 साल में कर दिया। उन्होंने पहले जो दिया वो बड़े बड़े लोगों को दिया,
हमने तय किया कि जिसके पास नहीं है, इतना कष्ट माँ बहनों को होता था, हम उनको मुक्ति दिलाना चाहते। उज्ज्वला योजना ने गरीब और निचले तबके के लोगों की जिंदगी को सशक्त बनाया है। यही वजह है कि सामाजिक सशक्तिकरण में यह योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सोशल मीडिया के लिए महेश मेवाड़ा की रिपोर्ट, जीडी न्यूज भोपाल। सोशल मीडिया पर इन दिनों हम फिट तो इंडिया फिट अभियान खासा ट्रेंड कर रहा है। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू किए गए फिटनेस चैलेंज में कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं और सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर अपनी फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हम फिट तो इंडिया फिट अभियान को सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर खासा सराहा जा रहा है। केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू किए गए फिटनेस चैलेंज को कई बड़ी हस्तियां आगे बढ़ा रही हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कार्यालय में व्यायाम करते अपना वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। किरण रिजिजू ने ये चैलेंज अभिनेता सलमान खान के अलावा अभिनेत्री सौम्या टंडन और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को दिया है। ये उसके बाद हम खुशा करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान नहीं करते हुए आराम से 10-12-15 जितना आपको सुविधा है आप कर सकते हैं। तो देश के कहीं भी हम जाए हम फिट हैं, हम फिट तो इंडिया फिट। जय हिंद। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने ऑफिस में एक्सरसाइज करते हुए एक वीडियो शूट किया, जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने इस वीडियो को असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को चैलेंज किया है। वीडियो में केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के हम फिट तो इंडिया फिट अभियान को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर शुरू हुए नए कैंपेन हम फिट तो इंडिया फिट में सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हो गए हैं। मनोज तिवारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर व्यायाम करते हुए वीडियो शेयर किया है और मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को चैलेंज भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने भी लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने प्रधानमंत्री और खेल मंत्री का हम फिट तो इंडिया फिट पहल को प्रभावी बताया और सतना सांसद गणेश सिंह को चैलेंज करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों से इसे एक्सेप्ट कर दूसरों को प्रेरित करने की अपील की। हम फिट तो इंडिया फिट की इस मुहिम के बाद लोग न सिर्फ सोशल मीडिया पर इस चैलेंज की सराहना कर रहे हैं, बल्कि इसके जवाब में बड़ी संख्या में फोटो और वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर अपलोड कर रहे हैं। हम फिट तो इंडिया फिट की ये मुहिम सोशल मीडिया पर खासी ट्रेंड कर रही है, साथ ही प्रधानमंत्री के हम फिट तो इंडिया फिट अभियान को भी लोगों के बीच पहुंचाने में असरदार साबित हो रही है। महेश मेवाड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। हमारे दैनिक जीवन में व्यायाम और योग का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने ट्विटर अकाउंट पर पवन मुक्तासन का एक एनिमेटेड वीडियो शेयर किया है, जिसे सोशल मीडिया पर खासा पसंद किया जा रहा है। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। ये आसन आपकी आंतों यानी इंटेस्टाइन से वायु या वात निकालने में उपयोगी है।
सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों और हाथों को आरामदायक दूरी में फैलाकर जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं। सुनिश्चित करें कि आपकी हथेलियों का मुख आसमान की तरफ हो। इस आसन को शवासन कहा जाता है। अब शवासन से आगे बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को जोड़ें और अपने घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जांघों को अपनी छाती के पास लाएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथें और घुटनों के नीचे अपनी पिंडलियों के पास पकड़ें। अब सांस छोड़ते हुए अपने सर और कंधों को तब तक उठाएं जब तक कि आपकी ठोड़ी घुटनों को छू ना ले। ऐसा करते समय आपको आपके कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से में खिंचाव महसूस होगा। अपनी आंखें बंद रखें और अपने कटी प्रदेश यानी कमर के हिस्से पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और कुछ देर तक आराम से रहें। पवन मुक्तासन आपको वात से राहत दिलाता है और उदर की वायु को कम करता है। ये आसन आपको कब्ज से मुक्त करता है और पाचन क्रिया में सुधार लाता है। पवन मुक्तासन आपकी मेरु तंत्रिकाओं यानी स्पाइनल नर्व्स को ठीक करता है। ये आसन आपकी पीठ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। पवन मुक्तासन गहरा आंतरिक दबाव डालकर आपके कूल्हे और कटी प्रदेश की मांसपेशियों, अस्थि बंधन यानी लिगामेंट्स और स्नायु यानी टेंडन्स की जटिल समस्याओं से निदान कर उनमें कसावट लाता है। यदि आपको पीठ दर्द हो या पेट में चोट आई हो तो कृपया ये आसन ना करें। हर्निया और सायटिका के रोगियों को ये आसन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को गर्भावस्था में ये आसन नहीं करना चाहिए। कुछ समय तक इस स्थिति में स्थिर रहने के बाद सांस लेते हुए अपने सर और कंधों को पुनः जमीन पर रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी टांगों को सीधा करें और जमीन पर रख पुनः शवासन की मुद्रा में आकर विश्राम करें। पवन मुक्तासन आपके रक्त संचारण को बढ़ाकर आपकी नसों को उत्तेजित करता है और आपके आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता में वृद्धि लाता है। रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। बच्चों की उत्सुकता देख प्रधानमंत्री ने सभी को भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे लोगों की तस्वीरें प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर भी शेयर की है। देखते हैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती तस्वीरों की एक झलक। अंत में हमारे इस खास कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आज बस इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप अपना सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है socialconnectmp@gmail.com। अगले सप्ताह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही विभिन्न खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।